गाड़ी मजा आएगा
पौ के बात क्या ते पौ सुना है नहीं सुना हाँ तो वही है ये पौ है ये क्या बोले इतना अभी आप रात में आएंगे ना ऊपर और रात में जाएंगे मंदिर में नीचे देखने Thank you.
यहाँ पर ये बगुलवाल देवता जो था ये टेरी महाराज के रहने वाले थे और यहाँ पर बगुलवाल देवता ने माने उतने उत्पन्न लिया है कहाँ से टेरी से और मलारी और बगुड़ी से और मलारी बगुड़ी होते हुए ये राजा जो था राजा मानसाही के पास आया और राजा मानसाही ने जो है जितेंद्र सिंह राजा को धारा नगरी और बांकी बगुड़ी और छेजला मलारी जो थी वो राजा मानसाही ने जीतू बगुड़वाल को दे दिया। जीतू बगुड़वाल धारी नगरी का रहने वाला था और धारी नगरी में उसका जो था मादा उदा मादा और बहुत बड़ा राजा था। उसने चार दिन में वहाँ पर राज चलाया और कई गांव लोग बागों को वह अपने राज्य का पर्चा दिखाया। कहीं राजा को बड़े बड़े राजाओं को और सेना श्रीनगर जो राजा मानसाही था उसके साथ में नौकरी करके उसके राजाओं को पराजित करके और वहाँ से अपना जो था माने धारा नगरी में ले लिया। धारा नगरी से और वो वहाँ आ गए अपने कहाँ धारा नगरी में जो था उसकी बांकी बगुड़ी और छेजला मलारी और बेडू पगार और किरमोड़ी ढावा गौमुड़े की शेरी और गौ माते की घेरी जो थी वो राजा जितेंद्र सिंह राजा की थी। जितेंद्र सिंह राजा रानियों का रोसिया और फूलों का पैरवारी था। उसके साथ में कई रानियां थी जो कि श्याली भरना हुआ और कुसमा कुलेन हुआ और रूपला बाडेन हुआ मंगला ओजान हुआ और कई राजा कई औरतें जो थी टेहरी में उसने अपने वो जो भारजा बना दी। उसने चार दिन में जो था बड़े बड़े हल्का मचा दिया और पर्चा दिखा दिया। जो जितेंद्र सिंह राजा जो था बड़ा राजा था और उसका भाई छोटा भाई शोभन सिंह कहते थे और उनका एक बड़ा छोटा भाई जिसको नाने बगुलवाल कहता था वो डाना मोरनी में रहता था। इतने भाइयों में उतनी बहन 3600 कुटुंब 32 परिवार लेकर के वो अपने धारा नगरी में पहुंच गया और धारा नगरी में उसका जो था रेठामाली चौक था और कटुआ पत्थर लगा हुआ था और नौखम की तिवार थी और रिंगदी डंडियाली थी फिरदा छत्तर थे और नाचदा मोर थे और बासदा कागा थे और जो था उसके जो माँ की बगुड़ी थी वो राजा मानसाही ने दी थी और मलारी भी जो थी वो राजा मानसाही ने दी थी। उसके साथ में एक काम करने वाला मोलू खेतवाल था जिसने उस खेत को गाइड किया।